गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं सरसों का खेत और आप देख सकते हैं हमारे इधर जो है कि लहलाती है सरसों की खेत, कितना सुंदर लग रहा है। और आसपास का देखिए कैसा नज़ारा है, यह हमारे पीछे जो है कि सरसों है। और अभी अभी हम आए हुए हैं खेत की तरफ और यहाँ का जो है कि नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये गेहूँ की फसल है और इसमें गेहूँ जो है कि अभी निकलने वाला है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह जो सरसों का फूल है कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी मस्त नज़ारा है गाइस। और आपको हम यहाँ के अलावा और मक्के का भी खेती होता है, तो चलिए हम आपको मक्का भी दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हम हैं गेहूँ के खेत में और आप देख सकते हैं ये जो सरसों है इसका फूल जो है कि पीला पीला काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ सिर्फ गेहूँ ही नज़र आ रहा है और गेहूँ में जो कि गेहूँ का शीशा आप देख सकते हैं जो कि निकल चुका है, यहाँ काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ, तो ये गाइस है मक्का, आप देख सकते हैं ये मक्का है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसों है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में काफ़ी मस्त है। और आप वहाँ पे वो देखिए बीच में जो है कि गेहूँ है और ये जो आर बनाया जाता है बीच में पटवन के लिए, तो इस पे जो है कि यह सरसों का पौधा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है सरसों। और देखिए इसका पीला पीला फूल जो है कि काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ के आस पास का कितना सुंदर नज़ारा, और वहाँ देखिए बगुला जो है कि कितना तेज़ी में उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ का मौसम कुछ सुहाना, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो चलिए हम सरसों दिखाते हैं आपको, ये देखिए सरसों, सरसों का खेत जो है कि काफ़ी सुंदर लगता है। और आप अभी देख सकते हैं यह है सरसों, और इस सरसों का फूल आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, देख सकते हैं यह सरसों काफ़ी मस्त लग रहा है। और दूर दूर तक यहाँ भी सरसों ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मक्के हैं छोटे छोटे अभी है मक्के का पेड़, और इसमें ही मक्का होता है। और मक्का का गाछ देखिए कैसा है, आप देख सकते हैं। और इधर ये सरसों है, ये गेहूं है, और अभी हम हैं इधर जो देख सकते हैं कितना हरा भरा लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक जो है कि इधर मक्के की खेती होती है और अधिकतर यहाँ मक्का और गेहूं होता है गाइस, आप देख सकते हैं। और सरसों है और यह मक्का देखिए पेड़ मक्के का, और यह जो है कि अभी इसका मिट्टी जो है कि फट चुका है, पानी की आवश्यकता है अभी इसको मक्के को, तो इसमें पानी डालेंगे। गेहूं में जो है कि पानी पड़ चुका है, तो आप देख सकते हैं गेहूं का खेत कितना मस्त लग रहा है। और इसके बीच में जो ये सरसों का फूल है और सरसों का पेड़ जो है कि ये तो काफ़ी सुंदर देखने में लगता है, आप देख सकते हैं। सरसों का बात ही कुछ अलग है, गेहूँ के दिन में सरसों सबसे सुंदर लगता है। और सरसों में जो पीला पीला फूल आप देख सकते हैं, यही इसको आकर्षित बनाता है गाइस, ये सरसों का फूल जो है ये इसको आकर्षित बनाता है, अपने आकर्षित करता है ये पीला फूल। अब काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि गेहूँ की खेती जो है कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है, और यहाँ गेहूँ और मक्का के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ गेहूँ और मक्का ही होता है। और आप देख सकते हैं सरसों, इसके गेहूँ के बीच में सरसों लगाया जाता है, सरसों भी हो जाता है। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग काम करने के लिए खेतों में आते हैं, खाद बीज पानी डालने के लिए, दूर में आपको नज़र आ रहा है। और वहाँ पर देखिए सिंचाई के लिए जो है कि वहाँ जो आप तंबू देख रहे हैं छोटा सा, वहाँ पे मोटर लगा है और उससे जो है कि सिंचाई की जाती है, बिजली का मोटर है और वो बिजली से ही सिंचाई होती है, तो किसान को काफ़ी कम जो है कि पड़ता है पानी पटवन इससे करने के लिए, बिजली से काफ़ी कम पैसा लिया जाता है।
ये डीजल से काफ़ी सस्ता है। और आप डीजल का बोर्डिंग आप देख सकते हैं वहाँ पे रखा है, उसका आप कोई यूज नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति जो है कि मोटर से ही यूज करते हैं, क्योंकि उससे जो है कि कम पैसा लगता है वो। तो आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा इस प्रकार का है। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।